नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया बुक का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले इसी में आपको एनाटॉमी के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ। एनाटॉमी का अगर डिफिनेशन अगर जानना चाहते हैं तो एनाटॉमी को हम ऐसे कहते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज पार्ट, कि हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर क्या है और हर एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जिसमें से हम एनाटॉमी के जो ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमीज के होते हैं वो होते हैं, जैसे ट्रोपोग्राफिक एनाटॉमिक, जो सेक्शन ऑफ एनाटॉमी कहते हैं, और माइकोलॉजी, जैसे माइकोलॉजी मतलब होता है जैसे फंगस वगैरह के माइकोलॉजी स्टडी करते हैं फंगस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वो फंगस जो हमको दिखाई देता है, फंगस अगर वगैरह मिलता है, उसके फंगस जो रहते हैं, फंजाई वगैरह रहती है, उसके स्ट्रक्चर को हम अगर इसमें मेनली हम एनाटॉमी में की बात कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी को डिफिनेशन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी फंक्शन ऑफ द बॉडीज, क्या क्या करता है, फंक्शन ऑफ द बॉडीज एंड बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी के पार्ट जो रहते हैं वो हमारे फंक्शन क्या कर रहे हैं, क्या क्रियात्मक विधि क्या है उसकी, ठीक है। तो हमें क्रियात्मक विधि और क्रिया जो करते भौतिक क्रियाएं होती है वो हमारे बॉडीज में या तो इंटरनल में या एक्सटर्नल में, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हम उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना, जिसको एक बनावट कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो एंजियोलॉजी क्या है, जिसे एंजियोग्राफी आप सुने होंगे, अब कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी वेंस के लिए ज़्यादा करके एंजियोग्राफी यूज़ किया जाता है, किसी भी वेंस अगर कहीं बंद हो जाती है तो उसको डाई वगैरह इंसर्ट करके, डाई देने के बाद में फिर उसका एक एक्सरे लिया जाता है, एक्सरे लेने के बाद में पता चलता है कि कहाँ तक वो डाई है और कहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ तक हमारी डाई जाता है, और डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर उसका आता है, उसको हम इसके बारे में एंजियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो उसमें मॉर्फोलॉजी एक ऐसा इसमें वर्ड है जिसको हम क्या करते हैं, उसके शेप एंड साइज के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जानते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है एक एम्ब्रायोलॉजी मतलब इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, यानी कि अगर जब बच्चे पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो उसमें जितने डेवलपमेंट जो हमारे दिखते हैं उसको एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी उसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी एक वर्ड है जो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स को जिसमें टिश्यूज के बारे में हमें अध्ययन करनी होती है, टिश्यूज के बारे में हर एक ऑर्गन पार्ट्स को अगर हमें दे दी जाती है, उसको सबसे पहले डिसेक्शन करके फिर उसके कटिंग प्रोसेस करके और फिर उसका एक पतला सा 0.25 mm का फिल्म बना करके फिर माइक्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं कि हमारा जो टिश्यूज है वो कहाँ एबनॉर्मेलिटीज है और कहाँ एबनॉर्मेलिटी नहीं है, वो हिस्टोलॉजी हमारा पैथोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है, पैथोजन वगैरह बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए। नॉर्मल हिस्टोलॉजी और ये पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजी कभी कभी होता है, इसमें नॉर्मल दिखता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स उसको नॉर्मल हिस्टोलॉजी कहते हैं, और पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजी कहते हैं जो हमारा बॉडी में हमारा कोई भी अगर पैथोजन वगैरह जैसे माइकोबैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह, माइक्रोस ऑर्गेनिज्म वगैरह, वायरस वगैरह, अगर वो दिखता है हमारे टिश्यूज में जो ऑर्गन्स हमें जांच करने के लिए होते हैं उसमें अगर दिख जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो हम उसको पैथोजेनिक हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में साइटोलॉजी, साइटोन यानी साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, साइटोलॉजी स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। रेडियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, तो रेडियोलॉजी का मतलब होता है एक एक्सरे दी जाती है, ठीक है, वो एक्सरे से क्या करता है कि वो एक
स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है रेडियो एक्सरे के थ्रू से। आप एक्सरे का नाम सुने हो, जैसे एक्सरे करवाने होते हैं डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अगर आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है या तो चोट लगी है तो सबसे पहले आप एक्सरे करवा करके देखें कि आपको उसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं और उसमें कुछ आपको कुछ डिमेरिट लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल है, तो उस समय आप एनाटॉमी जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई करके आप एनाटॉमी के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अब तो रहा ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी हम मेनली जो रहता है वो हमें बोन्स के बारे में पढ़ने होते हैं, ठीक है। बोन्स के बारे में पढ़ने के लिए हम ऑस्टियोलॉजी का वर्ड को यूज करते हैं। ये हो गया ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं मतलब जिसमें हमारा ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स किसको कहते हैं, अब ऑर्गेन्स को हम इस तरह से अगर डिफाइन कर सकते हैं तो हमारा एक बॉडी पूरा जो बना हुआ है सबसे पहले सेल से बना है, सेल से के बाद में टिश्यूज बना है, टिश्यूज से हमारा ऑर्गेन बना है और ऑर्गेन से हमारा ऑर्गेन सिस्टम बना है। इस तरह से पूरा शरीर अगर बना है तो ऑर्गेन सिस्टम से बना है। तो हमारा एक सिस्टम, जिस तरह से कहते हैं कि कोई भी चीज़ को पार्ट को मिला मिला दिया जाए तो एक सिस्टम बनता है, उसी तरह से हमारा एक सिस्टम है ऑर्गेन, यानी कि अगर लंग्स कहा जाए, लीवर कहा जाए, किडनी कहा जाए, तो ये ऑर्गेन्स आते हैं, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर फंक्शन होती है, ठीक है। तो फीटल एनाटॉमी यानी कि जिस समय बच्चा पेट में रहता है उस समय बच्चे की साइज शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने के लिए हम फीटल एनाटॉमी को जानते हैं। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स को कहते हैं हेरिडिटी भी कहते हैं, और जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुगत, यानी कि जो हमारे दादा परदादा से जो जीन यानी कि ट्रांसमिट होता है अपने बच्चों में, या ऐसे कभी आप बेहतर एग्जाम्पल के लिए आप इसे ले सकते हैं, जैसे कि किसी का दादा है और दादा की उसकी नाती भी वैसे दिखते दिखता है जैसे दादा की तरह, तो वो जो दिखता है वो जेनेटिक के कारण से दिखता है, वो उसका दादा का स्पर्माया किस्में ये ट्रांसमिशन हुआ जेनेटिक अपने बाप में और वो बाप से बेटे में आया, इसीलिए कभी कभी अपीयरेंस नहीं होता है अपने फादर में, वो जाकर के ग्रैंडफादर में अपीयरेंस हो जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। और अगर हम न्यूरोलॉजी के बात करें तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में अगर जो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। और मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी यानी कि हमें वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फंगस का स्ट्रक्चर क्या है, पैथोजन का स्ट्रक्चर क्या है, स्क्रासिस का स्ट्रक्चर है, हेलमंथ का स्ट्रक्चर क्या है, वो उसके बारे में उसको हम कहते हैं मॉर्बिड, ठीक है, और दूसरा नाम से पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी मतलब होता है जब हम किसी दूरबीन यानी तो सूक्ष्म दर्शी जिसको कहते हैं उससे अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो बनावट को, किसी भी संरचना को देखते हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी के बारे में से जानते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी आप तो बोन को जानते ही हैं, ठीक है। और आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है जॉइंट्स के बारे में, आर्थ्रोलॉजी का मतलब, इसलिए आर्थराइटिस आप नाम सुने होंगे क्योंकि घुटने में ज़्यादा होती है, आर्थराइटिस आर्थ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सरफेस एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज, है ना, एंड फिजियोलॉजीज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडीज एंड फंक्शन ऑफ द बॉडीज, इसके नाम से भी जाना जाता है। रीजनल एनाटॉमी, इसी के नाम से जाना जाता है, रीजन, किसी भी एक रीजन को अगर लिया जाए, किसी भी पार्ट्स के रीजन को लिया जाता है उसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। और इस तरह से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में समझे, जिसमें से हमारा कुछ वर्ड आया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद में, इसके बाद में हम जो चैप्टर लेकर के आएंगे वो हमारा रहेगा सेल्स, और सेल्स से हम स्टार्ट हो जाएंगे जो चैप्टर सेकेंड
चैप्टर में हमें पढ़ने होते हैं, सेल क्या है, सेल की डिफिनेशन क्या है, हम आगे बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।